एक्सोटिक वेबिलिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सैटरडे एस्ट्रोलॉजी सीरीज, और एस्ट्रोलॉजी सीरीज में हमारे साथ है गुरुजी किरण ठक्कर जी, जिनको बाबा के नाम से जानते हैं। गुरुजी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और एस्ट्रोलॉजी सीरीज में जो हमने आगे जितने भी एपिसोड किए हैं उसमें काफ़ी लोगों की जो डिटेल्स हमें मिली थी उसके दौरान गुरुजी ने उनके बारे में बताया था, लेकिन लास्ट दो जो सैटरडे है उसमें हम कुछ अलग लेके आए थे कि एस्ट्रोलॉजी अभी तक जो हम लास्ट में सिखा रहे थे वो पूरा एपिसोड हमने अगले सैटरडे को जो किया था। उसके बाद आज जो है वो एपिसोड है एस्ट्रोलॉजी में रत्न का महत्व और ग्रहों का महत्व, ग्रहों के अधीन रत्नों का महत्व और उपाय जिससे ग्रह बली हो। तो आज गुरुजी जो बताने वाले हैं वो है एस्ट्रोलॉजी में रत्न का महत्व क्या है और कौन से रत्न से क्या होगा उनका, मतलब अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है अगर वो रत्न पहनता है तो उनको काफ़ी फायदे भी हो सकते हैं और उनका ग्रह जो है वो बलि कैसे होगा। तो स्वागत है गुरुजी आपका, और आज आप बताएंगे रत्न के बारे में। जय गणेश, आप सभी के लिए बहुत बहुत प्रार्थना। और पिछले सप्ताह जो आपको होमवर्क दिया था, काफी लोगों ने होमवर्क भेजा है, लेकिन गड़बड़ी ये हुई है कि जो भी लोगों ने होमवर्क दिया है उसमें उनका नाम भी नहीं है और फोन नंबर भी नहीं है। कुछ लोगों ने ये गलती की है जी। तो उनका जो करेक्शन करना है वो करेक्शन करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, जो उनको रिप्लाई करने में, करेक्शन करने के बाद में जो रिप्लाई हम करते हैं वो थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी सबको तो हमने रिप्लाई भी कर दिया और सबको करेक्शन भी कर दिया, और काफ़ी अच्छी मेहनत भी की है और काफ़ी अच्छे लोग, काफ़ी लोग ये एस्ट्रोलॉजी सीखने में लगे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है सब में। तो आगे चलते हैं जी। लास्ट टाइम जो 5 नियम बताए थे वो 5 नियम के आधार पे पूरी एस्ट्रोलॉजी चलती है। वो 5 नियम के आधार पे आपको ये तय करना है कि आपके लिए शुभ ग्रह कौन सा है। मतलब शुभ मतलब क्या, वैसे तो गुरु शुक्र बुध चंद्र शुभ ग्रह है, लेकिन जब आपकी कुंडली का जन्म लग्न है उसके अनुसार आपको शुभ फल देने वाला ग्रह ही आपके लिए शुभ कहा जाएगा। वो फिर शनि भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है और मंगल भी हो सकता है। पाप ग्रह जो है वो भी आपके लिए शुभ हो सकते हैं, जो आपके जन्म लग्न के अनुसार ही तय किया जाएगा। तो वो अनुसार आपके लिए शुभ ग्रह कौन सा है और आपके लिए अशुभ ग्रह कौन सा है ये डिसाइड करना है। वो 5 नियम के अनुसार ही आप तय कर सकते हैं। तो इसके अनुसार आपको वही ग्रह बलि करना है जो आपके लिए शुभ है, भले ही वो नैसर्गिक अशुभ हो, लेकिन आपकी कुंडली के मुताबिक जो जन्म लग्न है या फिर जो आपके त्रिकोण सांड के मालिक है वो आपके लिए शुभ माना जाएगा। इसीलिए उसी को बलि करो जो आपके लिए शुभ है। तो अभी आगे चलते हैं जी। पहले ही मेष लग्न आप लेते हैं तो मेष लग्न के अनुसार आपकी कुंडली में मंगल जो आपका जन्म लग्न का मालिक है वो शुभ होता है, ठीक है। वो नैसर्गिक अशुभ होने के बावजूद भी शुभ, क्योंकि जन्म लग्न, जन्म लग्न के हिसाब से आपका अस्तित्व ही एक, यहाँ पे छोटा सा एक विषय ले लूंगा जी। एस्ट्रोलॉजी करने से पहले आप ये समझ लो कि जन्म लग्न जो है, जन्म लग्न इंसान का बॉडी बनाता, स्ट्रक्चर, हाथ पैर नाक कान ये बनाता कौन है, तो जन्म लग्न बनाता है। और इंसान की सोच, इंसान का विचार, इंसान का व्यक्तित्व ये उनके जन्म लग्न का मालिक बनाता है। जैसे किसी का मेष लग्न अगर जन्म में है तो मेष लग्न उसका बॉडी बनाएगा और मेष लग्न का मालिक उसकी सोच, उसके विचार, उसका व्यक्तित्व, उसके प्रगति कैसी हुई वहां से तय होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। यहाँ पे जन्म लग्न और जन्म लग्न के मालिक को थोड़ा डिफरेंस करके आप काम करोगे बहुत ही बढ़िया रहेगा।
तो आपके लिए जन्म लग्न का मालिक बढ़िया बनाने से आपका कुंडली का बल बढ़ेगा, आपकी कुंडली का पावर बढ़ेगा, जिससे आपको जीवन में सारे सुख संपत्ति मिलने का योग बढ़ता है, आपको जीवन में मान सम्मान इज्जत बढ़ता है। अभी आपने देखा होगा काफी लोग बाजार से रत्न लेके आते हैं, आपने भी पूछा है रत्न जी का क्या महत्व है, जी 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 तो कुंडली को बली बनाने के लिए काफी रास्ते हैं। जैसे सबसे पहले उनके लिए एक मंत्र तय किया गया है, हर एक जन्म जैसे 12 जन्म लग्न है, 12 जन्म लग्न को 6-6 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे 6 भाग गणपति को अर्पित किए गए हैं, 6 भाग ठाकुर जी को अर्पित किए गए हैं, वो 6 जन्म लग्न वो आपको 5 नियम के अनुसार तय करना है कि वो कौन से है। जिसकी कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल और गुरु योग कारक होते हैं, वापस एक बार, जिसकी कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल और गुरु योग कारक होता है वो जन्म लग्न गणपति दादा के अधीन दिया गया है, और जिसकी कुंडली में बुध शुक्र और शनि योग कारक होते हैं वो जन्म लग्न ठाकुर जी को दिया गया है। ऐसा 6-6 जन्म लग्न अलग अलग डिवाइड किया गया है जो हमारे शास्त्र के अनुसार ही होता है। अभी जिसकी कुंडली में समझ लो गणपति के अधीन है, उनको गणपति उपासना है वो दे सकते हैं। शिव मंदिर जैसे 9 ग्रह के अधिपति देव शिव जी है, तो कोई भी जन्म लग्न हो उनको शिव जी का जो दान धर्म है वो करना पड़ता है, गौ सेवा करनी पड़ती है, जो उनकी कुंडली उनके ग्रह उनके नक्षत्र के अनुसार नक्की होगा और वही उनको फलदायी रहेगा। ठीक है, ये पहला तरीका है। काफी लोगों की कुंडली इतनी निर्बल होती है जिनके लिए उनका मान सम्मान इज्जत ही नहीं बढ़ता है, कितनी भी मेहनत करो फिर भी उनको जो फल मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं मिलता, तो उनके लिए खास पूजा पाठ रखी गई है और रत्न उनको खास पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी और आपका मान सम्मान संभालने का सबसे बड़ा और सटीक उपाय है रत्न, क्योंकि वो आपकी बॉडी के जो भी 5 तत्व है उसमें से जो तत्व की उणप है आपके शरीर में वो तत्वों को मेंटेन करता है, जिससे आपकी बॉडी को नुकसान नहीं हुआ, मतलब रोग शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हुए, आपका मान सम्मान बढ़ा रहे और आपको नियमित वो प्रोटेक्ट करता रहे, खराब वस्तुओं से खराब शत्रुओं से आपको प्रोटेक्ट करता रहो और सद्बुद्धि देवे, क्योंकि वो रत्न धारण करने से आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती है जिससे आपके विचार शुद्ध होते हैं और बुद्धि खिलती है, जिससे आप परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं और जीवन में प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक ग्रह के अनुसार रत्न दिए गए हैं। जैसे सूर्य को माणिक दिया गया है, माणिक पहनने से उनको बहुत ही बड़ा फायदा होगा, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी रहती है। जैसे बैंकॉक का भी आता है और बर्मा का भी माणिक आता है, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही रेयर है। बर्मा का जो माणिक आता है वो बहुत महंगा भी आता है, लेकिन बहुत, तो उसकी अवज में एक दूसरा भी काम हम करते हैं, जो ग्रह और जो नक्षत्र है उनके लिए भोजपत्र पे एक यंत्र बना के उसको जागृत करते हैं, वो ग्रह नक्षत्र का ही यंत्र होता है, वो यंत्र को जागृत करके वो धारण करवाने से भी आपको वही फायदा मिलेगा जो रत्न धारण करने से ही मिलेगा। तो एक ये भी हम काम करते हैं, जो ये हर कोई करता है पता नहीं, लेकिन हमारे पास मालिक ने दिया है तो हम कर सकते हैं। जैसे भोज पत्र पे उनको उतार के उनको जागृत करते हैं, जो जातक का नाम है, जो जातक का कुल है और जो जातक का गोत्र है वो अनुसार वो यंत्र को जागृत करना पड़ता है और वो उनको धारण करवाते हैं, तो उसका बहुत ही बढ़िया फल मिलता है। हाँ जी गुरु जी, मुझे क्वेश्चन ये था कि कई लोगों ने मुझे ऐसा भी पूछा था जब हमने बात की थी कि जो रत्न सही हम कैसे पहचाने, क्योंकि आजकल इतने सारे जगह पे रत्न मिलते हैं और कोई भी बताता है कि आप ये पहनो, तो उसकी सही पहचान अगर कैसे की जाएगी उसकी। रत्न की सही पहचान करना बहुत ही मुश्किल है, उसका जो जानकार हो उसके पास ही आप ले सकते हैं। दूसरा, रत्न अगर आप धारण करते हैं तो ये खास ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली के ग्रह, आपकी कुंडली के नक्षत्र, आपकी कुंडली के अंश
और आपकी कुंडली में वो कौन से स्थान में कौन सी राशि में पड़ा है, वो हिसाब से वो रत्न का साइज नक्के होगा, वो रत्न का कलर। जैसे मैंने बोला माणिक, तो माणिक में भी कलर थोड़े लाइट डार्क होते हैं, माणिक की भी क्वालिटी अलग होती है, उसका साइज रहता है, वो मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, वो उनकी कुंडली के हर एक पहलू को देख के उसको तय किया जाता है, कौन सी राशि में वो हिसाब से, कौन से नक्षत्र में वो हिसाब से, मतलब वो पूरा एक कैलकुलेशन है। वो हिसाब से जैसे आपके कपड़े हैं वो आपकी बेटी को पहनाओ नहीं आएगा, क्योंकि हर एक का एक माप रहता है, फिटिंग रहता है। तो वैसे ही ग्रह नक्षत्र में भी है, कोई भी आप देखोगे भाई मैंने ये आपने बोला पहन लिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, काफी बार आपको सुनने को आता है, तो उसका रीजन ही ये है कि हर एक की कुंडली के अनुसार उसका रत्न अलग से तय किया गया है, वो ही धारण करे, ऐसे ही कुछ पहन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये खास ध्यान रखे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उसके लिए एक दूसरा भी उपाय है, आप वो ग्रह नक्षत्र उसके अनुसार एक यंत्र है, वो यंत्र आप जागृत करो, जिसमें आपका नाम, आपका परिवार का नाम और आपका गोत्र, जो आपका गोत्र है वो डाल के आप उसको जागृत कर सकते हैं और वो धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी अच्छा फायदा रहता है। दूसरा चंद्र होता है, चंद्र का मोती होता है, मोती भी काफी तरह के होते हैं, अभी चाइनीज भी मोती आते हैं, लेकिन बसराई मोती है वो ओरिजिनल होता है और वो काफी महंगा आता है, वो अभी मिलना बहुत ही रेयर है, क्योंकि वहां पे भी कुछ बैन है। बसराई मोती बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। और उसके बाद में आता है मूंगा, मंगल, मंगल के अवेज में मूंगा पहना जाता है, लेकिन हर एक रत्न का एक कलर रहता है, एक उनका स्वरूप रहता है। हमने कई बार देखा है कि मंगल को गोलाकार में भी पहनते हैं, लंबगोल में भी पहनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। शास्त्र में मंगल का आकार त्रिकोण ही है और त्रिकोण मंगल ही आपको फलदायी रहेगा। कई लोग तो व्हाइट ओपल पहनते हैं मंगल के अवेज में, तो वो फलदायी नहीं रहेगा। आप किसी के ने बोल लिया और आपने पहन लिया तो उससे फाइल, जैसे समझ लो कि कोई कोई जानवर है चार पग का, उसको आप इंसान नहीं बोल सकते, उनको एक स्वरूप दिया गया है, उनको एक कलर दिया गया है, तो वो हिसाब से उसका नाम तय किया है। वैसे ही मंगल है या चंद्र है, सूर्य, उसका भी एक स्वरूप तय किया गया, उसका एक कलर तय किया गया, वो वैसे ही उनको पहनना चाहिए। व्हाइट कलर का मंगल पहन लिया, अरे भाई अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मंगल का रेड कलर ही होगा और त्रिकोण ही होगा वो, और कोई भी शेप में आप पहनो उसका फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद में बुध आता है, बुध के लिए पन्ना बोला जाता है, पन्ना महंगा भी आता है और सस्ता, लेकिन जाम्बियन पत्थर होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, उसका लोग सपोटा भी पहनाते हैं, सपोटा भी रिजल्ट देता है, लेकिन उससे भी बढ़िया जाम्बिया का पत्थर आता है, बहुत ही बढ़िया फल देता है, और उससे भी बढ़िया कोलंबियन पत्थर आता है पन्ना में, लेकिन कोलंबियन पत्थर बहुत ही महंगा आता है, बहुत ही बढ़िया पत्थर है लेकिन बहुत ही महंगा आता है, उससे काफी अच्छा फायदा रहता है। उसके बाद में गुरु आता है, गुरु मतलब पुखराज, लोग पुखराज की कई क्वालिटी आपको देते हैं, उसमें बैंकॉक का गुरु भी आपको अच्छा फल देता है, लेकिन उससे भी बढ़िया फल चाहिए तो गुरु में सिलोनी, सिलोनी मतलब श्रीलंका से जो पत्थर आता है वो पत्थर आप पहनेंगे तो गुरु बहुत ही अच्छा फल देगा और बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट दिया है गुरु ने, जो सिलोन से, श्रीलंका से जो पत्थर महंगा आता है लेकिन बहुत ही चमत्कारी होता है। जिसकी कुंडली में गुरु योग कारक होता है वो ही फल सिलोनी पत्थर पहने बहुत ही अच्छा फल देता है। उसके बाद में शुक्र आता है, शुक्र में भी काफी चीज है, जैसे मैंने व्हाइट कलर का ओपल बोला मंगल के हिसाब से पहनते, तो काफी लोग व्हाइट कलर का ओपल शुक्र में भी पहनते हैं, उसके साथ में अमेरिकन डायमंड आते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, स्फटिक करके एक पत्थर आता है वो भी आप शुक्र के अवेज में पहन सकते हैं, क्योंकि रियल डायमंड बहुत महंगे होने के कारण हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए तो ये शुक्र के लिए ये उसका अगेंस्ट में आप पहन सकते हैं उसके अवेज में। एक शुक्र में एक वो भी आया है सिंथेटिक्स डायमंड भी बोलते हैं, वो सस्ते मिलते हैं, वो भी आप पहन सकते हो, वो भी अच्छा फल देते हैं, और रियल डायमंड तो है ही उसके लिए तो आप। उसके बाद में तो आता है शनि, शनि मतलब नीलम,
नीलम का नाम आता है सब डर जाते हैं, सब घबराते हैं, अरे बाप रे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीलम जितना अच्छा फल कोई नहीं देता, ये आप समझ लीजिए। जिसकी कुंडली में नीलम मतलब शनि योग का रोग होता है, वो कुंडली है वृषभ लग्न कुंडली है, वो कुंडली है तुला लग्न कुंडली है, वो कुंडली है मकर लग्न कुंडली और कुंभ लग्न कुंडली, ये चार लग्न कुंडली में शनि परम योग कारक होता है। अगर ये चार कुंडली में, अगर ये चार कुंडली के मालिक अगर शनि धारण करते हैं, उनको ये शनि बहुत ही बढ़िया फल देता है। शनि में भी काफी क्वालिटी आती है, जैसे बैंकॉक का आता है नील, काका नीली भी बोलते हैं वो, लेकिन वो इतना फल नहीं देता। बैंकॉक का शनि आता है अच्छा फल देता है। शनि में एक वो भी आता है सिलोनी पत्थर, जो जैसे गुरु का आता है वैसे ही शनि में भी सिलोनी पत्थर आता है, श्रीलंका से निकलता है, वो बहुत ही बढ़िया फल देता है और अद्भुत रिजल्ट दिया है शनि ने। लेकिन ये खास ध्यान रखो जी, जो भी ग्रह आता है उसमें हीटेड आता है, कलर किया हुआ आता है, जैसे कोई व्हाइट पत्थर निकलता है, रियल पत्थर तो श्रीलंका का ही आता है लेकिन व्हाइट पत्थर निकलता है, वो पत्थर को वो लोग ट्रीट करते हैं, हीटेड करते हैं और उसका कलर चेंज करते हैं। व्हाइट पत्थर को आप बोलो तो येलो कलर दे देते हैं, वो ब्लू कलर बना देते हैं। तो वो हीटेड है ट्रीटेड है, वो आप देख के ओरिजिनल पत्थर लो, आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार, आपके ग्रह नक्षत्र के साइज के अनुसार उसका अनुसार उसकी साइज ठीक किया जाएगा। उनके अंश के अनुसार जो ग्रह है उनके अंश के अनुसार उसकी साइज और कलर तय किया जाएगा, कौन सी राशि में है वो हिसाब से उसकी साइज और ये तय किया जाएगा। ये खास ध्यान रख के आप पहनो तो 100% ये रिजल्ट देना ही देना है। उसके साथ में अगर वो नहीं पहनना है तो उनके अगेंस्ट में हमने जो बोला एक यंत्र हम तैयार करते हैं, उनके ग्रह नक्षत्र के अनुसार यंत्र दिए तैयार करते हैं और यंत्र को वो जो जातक है वो जातक के नाम से उसको सिद्ध किया जाता है, वो जातक के गोत्र के हिसाब से सिद्ध किया जाता है और वो यंत्र को जागृत किया जाता है, वो जागृत करके उनको धारण करवाते हैं जिससे उनको भी काफी फायदा रहता है। जी, जी, जी। तो ये हमने बात की गुरु जी के साथ आज कि एस्ट्रोलॉजी में रत्न का महत्व क्या है, गुरु जी ने बताया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। गुरु जी अभी काफी कुछ बताने वाले है, क्योंकि काफी सारे लोग आजकल, सबको गुरु जी ऐसा है कि सब लोग इतनी दुविधा में है आज, ऐसे सिचुएशन का माहौल हो चुका है कि या तो सब लोग घर में बैठे हैं, या तो किसी के पास काम नहीं है, या तो किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या पैसा आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, सब कुछ, मतलब इतना सारा सब कुछ है। लोगों ने काफ़ी सारी बात भी हमारे साथ की है, लेकिन लोग सब लोग डर भी रहे कि हमारा नाम मत लीजिएगा, ऐसे ही आप गुरु जी से पूछिएगा कि ये सब कब ठीक होगा। और जब ये रत्न की बात आती है तो कई जगह पे ऐसा है कि कई लोगों ने रत्न पहने हैं बट उसके फायदे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके कई सारे ऐसे रीजन है कि सही पहना है या नहीं पहना है वो ही पहले तो कंफ्यूजन की बात है। और अगर सही है उसकी पहचान भी नहीं हो रही है, जिसने बोला पहना है आपने पहन लिया लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ से गुरु जी जो बता रहे हैं उसमें ऐसा है कि अगर गुरु जी से आप सलाह लेके, गुरुजी से बात करके अगर ये आप धारण करते हैं तो गुरुजी तो 100% खातरी देते हैं कि आपको फायदा होगा ही होगा। और हमारे जो चैनल के द्वारा ये से कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसी बात है कि भाई आप ट्रस्ट कर सकते हैं, पहली बात ये है कि विश्वास कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9227645700, जो एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। दूसरी एक बात कहना चाहेंगे, मैं आपको थोड़ा रुकूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। आपने जो बोला कि पैसों का दिक्कत है ना, ये सब है, जैसे पैसे आपके फंसे आ नहीं रहे जी। उसके लिए जी। साल में दो दिन ऐसे आते हैं जब आपको एक मालिक ने ऐसा दिन दिया होता है जब आप एक यंत्र सिद्ध कर सकते हैं, श्री यंत्र है और वो एक है धन कुबेर पोटली जी। ये दो आप सिद्ध कर सकते हैं, वो साल में दो दिन आते हैं, वो दिवाली पे रहते हैं जी। जिसमें एक दिन आएगा नवरात्रि में आएगा, बीच में एक दिन आता है और
दूसरा है धनतेरस और काली चौदस, जो नरक चौदस भी बोलते हैं, और दिवाली, ये 3 दिन में, और एक नवरात्रि के दिन है, यही समय पे उनको जागृत किया जाता है। और हम हमारे परिवार में और हमारे जो साथ जुड़े लोगों के लिए हम काम करते हैं, उनके लिए काफी बनाना भी है। अगर किसी को वो बनाना है जी, तो आपसे संपर्क करें, उनका नाम, उनका गोत्र देना पड़ेगा, उनका परिवार का, जैसे जो मुखिया है, मुखिया मतलब कौन बोला जाता है, जी, जो कमाई करता है जी। जैसे मुखिया में वडिल भी होते हैं, वडिल काम नहीं करते, कमाई करने नहीं जाते, बच्चे कमाई करने जाते, जो बच्चे कमाई करने जाते हैं उनका नाम बोला जाएगा और उनका गोत्र बोला जाएगा, और उनके अनुसार ही वो यंत्र, श्री यंत्र और धन कुबेर पोटली बोलते हैं, धन कुबेर पोटली वो सिद्ध होगी, और उनके घर में रखने से फाइनेंशियली फायदा होगा। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये नवरात्रि का एक दिन और धनतेरस के बाद के 3 दिन उसी समय पे ये सिद्ध होगा, बाकी पूरे साल में कभी भी ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 3 ही दिन ये काम होता है। अच्छा, तो ये तो बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है। योग योग यही दिनों में बनता है। उसके साथ में जी, एक सर्व संकट निवारण पोटली दी जाएगी, जो आपके घर में 7 बार घुमा के उसको जलानी होगी, वो जलाने के बाद में सारे कष्ट बाधा घर से निकल जाएंगे, और उसके बाद में ये सब चीज स्थापित करनी है घर से, तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा, जिससे फाइनेंस ये ले, घर में सुख शांति, ये सब प्रश्न आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो ये आपने पूछा अनायास, और ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं था कि बोलने का, और आपने अनायास ही पूछा तो दिमाग में आ गया, जैसे अभी हमारी वो तैयारी चल ही रही है। अगर किसी को ये चाहिए तो वो आपको पहले से बोल दे, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो जरूर गुरु जी, क्योंकि अभी नवरात्रि भी आ रही है, दिवाली का त्योहार भी आ रहा है, और जैसे आपने बताया कि साल में एक ही बार ये आप कर सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर हमें संपर्क कीजिएगा, और सलाह कुछ भी लेनी है उसके लिए गुरु जी का कोई चार्ज नहीं है। हाँ, टोटली फ्री आपको सलाह दे सकते हैं। और गुरु जी, ये अपने जो ग्रह के रत्नों की महत्व और उसके उपाय और कैसे ग्रह भली हो, उसमें बताया है आपने जिस तरह से, तो अगर किसी को जानना है तो वो क्या डिटेल हमें भेजे? उनकी बर्थ डिटेल जो हम भेजनी है, उनकी कुंडली निकाल के हम उनके लिए कौन सा रत्न सही रहेगा वही हम बताएंगे। दूसरा, रत्न देख के ही उसको जांचा परखा जाएगा, उसके अलावा तो कैसे बता सकते हैं, जैसे हाथ में आएगा, क्योंकि आप किसी भी रत्न का फोटो देख के भी आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे कि ये सही है या गलत है। जी, जी, जी। क्योंकि मैंने बोला अभी हीटेड और ट्रीटेड ये सब चल रहे हैं, तो वो कलर किया हुआ है नहीं है, ये सब देखना पड़ता है, उसको एक जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है जी। तो ये तो काफी सालों से कर रहे हैं, इसीलिए मालिक की कृपा से वो हम कर सकते हैं, तो वो वैसे ही होगा। बाकी आप फोटो भेजोगे तो उसके ऊपर भी हम उसके लिए कोई सलाह नहीं दे सकते। उसके लिए नाम जरूरी है आप भेज सकते हैं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। जब यूट्यूब पे ये प्रोग्राम टेलीकास्टिंग होगा उस पे नंबर भी लिखा होगा, अगर आप अभी नहीं लिख सकते हैं तो उसके बाद में भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये सब अभी बात हुई गुरु जी, अभी और कुछ हम बताने वाले हैं क्या इसमें? नहीं, आज यहाँ तक ही रहेंगे, क्योंकि अभी और भी जाना है, थोड़ा काम है, तो इसीलिए। तो ये आज का एपिसोड जो था वो रत्न का महत्व पे था, और रत्न का जो आपका उपाय है, महत्व है, उसमें भी आपका ग्रह कैसे बलि किया जाए, वो सब पे आज गुरु जी ने बात की। लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा वो कंटिन्यू रूटीन पे आ जाएगा वापस, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपना बर्थडे वगैरह भेजा है, बेसिक क्वेश्चंस भी उन्होंने भेजे हैं, तो वो सब अभी जितने भी लोगों का पेंडिंग है वो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो होगा, जो पेंडिंग है उनका सबका नेक्स्ट सैटरडे को हम जो हम लाइव जन्माक्षर की जो प्रिडिक्शन करते हैं वो होगा। तो जिनका बाकी है वो नेक्स्ट सैटरडे पे हम जरूर ये एपिसोड में आपकी बातें करेंगे, आपके बारे में जानेंगे,
गुरु जी से, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिन्होंने होमवर्क भेजा है उसमें जो नाम और नंबर देना भूल गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप वापस भेजिए, उसमें नाम अपना लिखिए और अपना फोन नंबर लिखिए ताकि हम उनको करेक्शन करके आपको वापस समझा सके क्या सही है क्या गलत है। जी मतलब अगले एपिसोड में जो बात हुई थी उस तरह से डिटेल आपने कंप्लीट भेजी नहीं है, तो हमने इस एपिसोड में हम नहीं ले सकते थे, तो अभी वापस आप भेजो, वापस भेजिए लेकिन पूरे डिटेल के साथ जैसे गुरुजी ने बताया है उस तरह से आप भेजिए। और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी सीरीज में नेक्स्ट सैटरडे वापस मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी न्यूज़ है और जो भी नई अवेयरनेस के शोज यहाँ पे चैनल के द्वारा हो रहे हैं तो आप जरूर उसमें देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप तुरंत ही उसको खोल के देख सकते हैं, तो और हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए नमस्कार और गुरुजी जय गणेश। जय गणेश, आपके लिए बहुत बहुत प्रार्थना।